करारे दिलों जाने मादर पिदर तू सुकूने जिगर और नूरे बसर तू अरे उजाला तेरी दम से है मेरे घर में तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में अरे तुझे देख कर होती है शादुमानी तेरा रूए जेबा मेरी जिंदगानी तेरा रूए जेबा मेरी जिंदगानी अरे तेरे गम में हालत अरे तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है सब रो रहे हैं जुदाई के अश्कों से मुंह धो रहे हैं अरे तेरी वालिदा की हालत है बेटी कि रोती है छुप छुप के घर में अकेली के रोती है छुप छुप के घर में अकेली नहीं दिल बहलता है अरे महिलाए क्यों कर और रखे किस तरह हम गले जेब शराफत भाई लेकिन ये शेर नजर कर रहा हूं शराफत भाई इंसान के अंदर दुनिया के हर तरह का वक्त रहता है इंसान के पास कभी दौलत है कभी नहीं है लेकिन मेरे दादा मरहूम जनाब हबीब पेंटर साहब क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नती फिरदौस में आना से अल्लाह मकाम अता फरमाए मेरा सुबामी और राजू पेंटर को शेर सुनिएगा जिस भाई आपसे भी खास तौर से तवज्जो शरीफ भाई शेर सुनिए यहां तूने पहने फटे और पुराने
कि गुजरे हैं ऐसे भी अक्सर जमाने, कभी भूखा प्यासा भी रहना पड़ा है, कभी सख्त और सुस्त तुझको कहा है, भाई उठाया है रातों की नींदों में तुझको कि बेटी हमारा जरा काम कर दो, कि बेटी हमारा जरा काम कर दो। हर एक बार खिदमत का तूने उठाया मगर तेरे चेहरे पे बल तक ना आया, मगर तेरे चेहरे पे बल तक ना आया। खुदा के लिए अपना दिल साफ करना और जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना। हर चीज देता है लेकिन बेटी एक ऐसी चीज होती है कि जब वो घर से बाहर जाते हैं ना, उसके बाप जाते हैं घर से कहीं भी, तो बेटे को इतनी फिक्र नहीं होती, बेटी को होती है कि डैडी आप कहाँ जा रहे हैं, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब वो बेटी बड़ी होकर यानी 20-22 साल के बाद जब वो अपने बाप को छोड़ कर जाती है, ओफो क्या मंजर होता होगा, वो मंजर नजर कर रहा होगा। मनीष भाई रखा तो सुनिएगा जरा, और जितनी मेरी भाई शराफत है आपसे भी, और हजरत बैठे हैं हजरत शेर सुन। लेकिन हर ये तो हुक्म कुदरत है, लेकिन कोई भी बाप नहीं चाहेगा, ये तो अल्लाह की तरफ से जो रीत बनी आई है। अर्शद साहब यार आप भी सुनो, अर्शद शेर सुन। जुदा तुझको करने पे मजबूर है हम, ये दस्तूर दुनिया है माजूर है हम, तुझे आज किस्मत ने दिल दिखाया, तुझे तेरी बहनों ने दुल्हन बनाया, मगर चंद बातें मेरी याद रखना, कभी उफ ना करना मगर दुख भी सेना। अरे ना घबरा ना तू माने, अरे बादल से डर कर और कदम नेक राहों पे रखना समझ। कभी हुक्म शौहर से गफलत ना करना।